हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स होप सब बढ़िया हो गए। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर 13 जून 2023 में जो आया था पेपर टू कॉमर्स का मॉर्निंग शिफ्ट में, वो करवाने जा रहा हूँ। सो डिस्कस करते हैं हम पेपर पूरा। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशेंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस्ड इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देयर इज अ। सो उन्होंने कहा अगर आपके पास एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है और उसको अच्छे से स्टैम्प किया हुआ है और वो ड्यूली एड्रेस्ड है, मतलब उस पर अच्छे से मैंशनड है वो किसको एड्रेस कर रही है, तो अगर हम उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट करते हैं तो उसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको चार ऑप्शंस गिवन है। सो जो देखो, अगर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर डी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी जब आप, अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो जब आप प्रॉपरली एड्रेस करते हो और स्टैम्प करते हो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को, यानी एक प्रॉपरली स्टैम्प जिस पे अच्छे से स्टैम्प लगी और एड्रेस की हुई आपने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजी है, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस की जो टर्म्स हैं, यानी अब एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होने के लिए उसका एक एसेंशियल है एक ऑफर और एक्सेप्टेंस। देखो, जब एक आप ये ज्यूम कर लेते हो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस की टर्म्स हैं वो क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और कोई भी इशू नहीं है जो आपके एग्रीमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है। सो आपकी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जब वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है और ड्यूली एड्रेस है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। वो कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज द हाईएस्ट। चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको चूज करके बताना है इनमें से कौन से सेगमेंटेशन क्राइटेरिया में कंज्यूमर बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे हाई है। देखो, जो आपका सेगमेंटेशन क्राइटेरिया होता है वो कैटेगराइज करता है कस्टमर को ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करता है। अब जो ये कैटेगराइजेशन है ये डिपेंड करती हैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स पे। सो अगर हम प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल है, ये डील करती है विद मोटिवेशंस और एटीट्यूड्स जो सब्जेक्टिव है और लेस प्रेडिक्टेबल है। अब ये चीज़ें बिल्कुल सब्जेक्टिव है, डिपेंड करती हैं क्या एटीट्यूड और क्या मोटिवेशन है टाइम टू टाइम। सो इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। जो डेमोग्राफिक है इसमें फैक्टर्स लाइक आपका एज होगी, इनकम हो गया, लोकेशन हो गया, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। यानी इसमें कुछ हद तक प्रेडिक्शन है बट इसमें कोई स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं होती बिहेवियर को लेके। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल। देखो, जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है इसमें आप उस बंदे की परचेज हिस्ट्री एनालाइज करते हो, उसके यूसेज पैटर्न्स क्या है, वो कस्टमर कितना लॉयल है। सो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो इसकी जो आपके इंडिविजुअल्स है जो उनकी फ्यूचर चॉइसेस की प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी हायर होती है। सो लास्ट आती है जियो डेमोग्राफिक। यानी ये जो जियो डेमोग्राफिक में दो चीज़ें आती हैं, आप डेमोग्राफिक्स को कंबाइन करते हो जियोग्राफिक लोकेशन के साथ, जब इन दो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है तो आपको कहीं ना कहीं मॉडरेट प्रेडिक्शन मिलती है। सो अगर मैं आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताऊं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रेडिक्टिबिलिटी है कंज्यूमर के बिहेवियर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन, प्राइस, रिफंड्स, कूपन, इवेंट, स्पॉन्सरशिप, ऑफ इनवॉइस, इनमें से चूज करके बताओ कौन से चीज आपके कंज्यूमर प्रमोशन के टूल्स हैं। देखो, आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी बी सी डी जिसमें आपके रिफंड्स, कूपन्स एंड इवेंट स्पॉन्सरशिप्स आपके कंज्यूमर प्रमोशन के टूल्स हैं। देखो, जो कंज्यूमर प्रमोशन है उसका मेन मुद्दा क्या है, आपने परचेजेस को इंसेंटिवाइज करना है, आपने इस तरीके से ऑफर देनी है कि आपकी इमीडिएट परचेजेस हो सके। अगर इसके कॉमन टूल्स की बात करें, सबसे पहले आता है रिफंड्स। इसमें या तो पार्शियल या पूरा पैसा आप परचेज के बाद रिफंड कर देते हो। दूसरा आता है कूपन्स, यानी इसमें आप वाउचर्स देते हो जो डिस्काउंट्स देंगे जब परचेजेस की जाएंगी, यानी आपने उनको वाउचर दे दिया और वो वाउचर में आपने मेंशन कर दिया जब भी आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट आती है इवेंट स्पॉन्सरशिप। देखो, इसमें आप एसोसिएट करते हो ब्रांड को इवेंट्स के साथ ताजो आप अपने टारगेट कस्टमर्स कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स के अंदर नहीं आते। ये जो आपके प्राइस ऑफ डील्स हैं या ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट्स हैं, ये दोनों बेसिकली आपकी प्राइजिंग स्ट्रेटजीज हैं, यानी ये इनका प्रमोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, वो क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। अजर्शन में उन्होंने कहा यूजली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और रीजन में उन्होंने कहा इन द सेल ऑफ लीज, इन ए सेल ऑफ लीज बैक अरेंजमेंट कंपनी सेल द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ एसेट इन देयर बिजनेस। सो हमें चूज करके बताना है कि इनमें से अजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों गलत है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो अगर हम ध्यान से नोट करें तो इसकी ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों अजर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है, बट रीजन आपके अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट ए की बात करूं, देखो जो सेल और लीज बैक है ये एक फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है, कंपनी सेल करती है अपने एसेट्स को लीजिंग कंपनी को और फिर उनको उनसे दोबारा से लीज बैक कर लेती हैं ताकि वो उस एसेट का कंटिन्यूड यूज कर पाए। अब ये चीज हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड वंस के लिए फॉलो की जाती है। अब जो स्टेटमेंट, जो रीजन दिया गया वो पार्शली एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को। देखो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अनलॉक कर रहे हो, यानी आप अपनी कैपिटल को फ्री अप कर रहे हो, इसका एक बेनिफिट तो जरूर है, बट नॉट द ओनली रीजन, ये इकलौता रीजन नहीं है। नो डाउट वो आपकी कैपिटल को फ्री अप कर देगी अगर आपने अपना एसेट सेल करके दोबारा से लीज बैक कर दिया, बट ये अकेला कारण नहीं है। जो कंपनीज है वो लीज बैक को इसके अलावा अपने फाइनेंशियल रेशियोज को इंप्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं, अपनी टैक्स पेमेंट जो उनकी बनती है उनको डेफर करने के लिए, उनको पोस्टपोन करने के लिए भी करते हैं। अब ये डिपेंड करता है रेगुलेशंस पे। सो जो इसका रीजन है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्शन की। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। वन सच एसोसिएशन इज नाफ्टा। नाफ्टा कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो आपको देखो जो नाफ्टा है उसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यूएसए, कैनेडा एंड मेक्सिको। देखो जो नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, कैनेडा के बीच में एंड मेक्सिको के बीच में। ये एलिमिनेट करता है टैरिफ्स और जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं इन तीन कंट्रीज के बीच में, दैट स्टैंड्स फॉर नाफ्टा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। देखो जो लीगल फ्रेमवर्क जो रीजनल रूरल बैंक को गवर्न करता है, एक तो है रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 और बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से स्टडी करते हैं। देखो जो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज अ लीगल फ्रेमवर्क ताजो आप रीजनल रूरल बैंक्स को सेट कर सको और रेगुलेट कर सको एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट। फिर जो आता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे पूरी इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर रेगुलेट होता है। इसमें ही आरआरबी के लिए भी गाइडलाइंस फ्रेम की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू रिमूव ऑर्डर बायस इन अ क्वेश्चन है यूजली रिसर्चर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगर रिसर्चर ने ऑर्डर बायस को रिमूव करना है तो उसके लिए कुछ जो टेक्निक्स यूज की जाती है, एक तो फनल टेक्निक, फिल्टर क्वेश्चंस और पाइवट क्वेश्चंस। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं डिटेल में, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलें, देखो जो ऑर्डर बायस है ये तब अक्कर करता है जब जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द ऑर्डर इन विच द क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड। यानी आपने क्वेश्चन ईयर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस इनको प्रेजेंट किया, जब वो ऑर्डर इन्फ्लुएंस करता है रिस्पोंडेंट्स को, वो ऑर्डर बायस होता है। अब कुछ टेक्निक्स जो इसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है, सबसे पहले आता है फनल टेक्निक। देखो इसमें आप क्या करते हो, आप स्टार्ट करते हो ब्रॉड क्वेश्चंस के साथ और धीरे धीरे स्पेसिफिक वंस पे मूव करते जाते हो, यानी ब्रॉडर क्वेश्चन से नैरो डाउन करके धीरे धीरे स्पेसिफिक वंस पर आ जाते हो। फिर आप फिल्टर करते हो क्वेश्चंस को, यानी आप रिस्पोंडेंट्स को स्क्रीन करोगे। अब जो ये स्क्रीनिंग होगी ये होगी इनिशियल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका रेलेवेंस क्या है, वो कितने रेलेवेंट है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं पाइवट क्वेश्चंस, यानी इसमें आप चेंज कर दोगे जो ऑर्डर आपकी आंसर चॉइसिस का अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर सेम कॉन्सेप्ट। यानी जो आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर चॉइसेस दी गई हैं आप उसका ही ऑर्डर चेंज कर दोगे, ठीक है। सो इवन जो इसमें अदर ऑप्शन लीडिंग क्वेश्चंस और मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चन है, ये बायस को रिड्यूस नहीं कर सकते, एडिशनली ये बायस को ऐड कर देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आप एक बार, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में कवर करेंगे। 9th क्वेश्चन रह गया एक हमारा, अ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय। देखो जो म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशन है वो इंडिया में सेबी करती है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो एक प्राइमरी रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का इंडिया में, और आपकी जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी सिक्योरिटी मार्केट का ही हिस्सा है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, सेक्शन 61-64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स ऑल्ट्रेशन प्रॉपर विच इंक्लूड्स। देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऑल्ट्रेशन प्रॉपर है, इसमें आपकी कैंसलेशन आ जाती है अनइश्यूड शेयर्स की, जो आप शेयर कैपिटल उनको इंक्रीज करते हो वो भी आ जाता है, और जो आप शेयर्स को कन्वर्ट करते हो जो उसकी कन्वर्जन है वो भी इसमें आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो जो सेक्शन 61-64 है कंपनी सेक्ट 2013 का, वो डील करते हैं जितने भी ऑल्ट्रेशंस आप कंपनी की शेयर कैपिटल में कर रहे हो, यानी जो ऑल्ट्रेशन प्रॉपर है इसका सिंपल मतलब ये है जो आप चेंजेस ला रहे हो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, यानी अब इसमें कोर्ट का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू चेंजेस ला रहे हो, यानी इसमें आप अपने अनइश्यू शेयर को कैंसिल कर रहे हो, यानी आपने एलिमिनेट कर दिए जो शेयर्स आपने कभी इशू किए ही नहीं थे अपने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से। दूसरा, आप अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो नए शेयर्स को इशू करके, यानी आप रेज कर रहे हो ऑथराइज शेयर कैपिटल नई शेयर्स को इशू करके, फिर आप कन्वर्ट कर रहे हो फुली पेड शेयर्स को स्टॉक में और वाइस वर्सा। देखो इससे क्या होगा, इससे आप अलाउ करते हो कन्वर्जन शेयर्स की सिंगल सर्टिफिकेट स्टॉक में या वाइस वर्सा। अब जो दूसरे ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ इशूड शेयर एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल बाय रिडम्पशन, इसमें आपको एक डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको कोर्ट के अप्रूवल की भी जरूरत होगी। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग विद अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। यानी देखो जो अगर आप सारे स्टेप्स को एक बार पढ़ लो, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप समराइज करोगे फ्लो को, फिर कंप्यूट करोगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर समराइज करोगे कॉस्ट को, फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे और एट द एंड असाइन करोगे कॉस्ट में। यानी जो प्रोसेस कॉस्टिंग वो पहले जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्शन प्रोसेसेस में उसको ट्रैक करती है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे आउटपुट आप सिमिलर यूनिट्स का प्रोड्यूस करते रहते हो। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले समराइज किया जाता है फ्लो फिजिकल यूनिट्स का, यानी आप ट्रैक करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स जब आपने बिजनेस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट की, फिर कंप्लीट हुए और रिमेनिंग जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस बच गया, फिर आप कंप्यूट करोगे आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, यानी आप एडजस्ट करोगे आपका जो आउटपुट है जो वर्क इन, आप इन शॉर्ट सिंपल वे में अगर मैं आप बताऊं, यू विल एडजस्ट फॉर कंप्लीशन स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट, यानी जो आपके वर्क इन प्रोग्रेस है आप उसको एज कंप्लीशन स्टेज में कन्वर्ट कर दोगे, फिर आप कंप्यूट करोगे कॉस्ट को पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी आप डिवाइड करोगे टोटल कॉस्ट को बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट जो आपने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किए थे, फिर आप समराइज करोगे टोटल कॉस्ट को ताजो आप अकाउंट कर पाओ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, यानी आप कॉस्ट को एलोकेट करोगे कंप्लीटेड यूनिट्स पे और वर्क इन प्रोग्रेस पे। अब जो ये बेसिस होंगे ये होंगे कंप्लीशन स्टेज इसके बेसिस होंगे, फिर आप असाइन करोगे टोटल कॉस्ट को यूनिट्स कंप्लीटेड में और टू यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी जो आपके असाइन की जाएगी कॉस्ट वो उसके जो बेसिस रहने वाले वो होंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप हर एक स्टेज में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको सिचुएशंस मेंशन है, आप रीड ऑन कर लो। देखो एजेंट तब पर्सनली लायबल होता है थर्ड पार्टीज को जब आपका अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल हो, ट्रेड कस्टम्स और फॉरेन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एजेंट जनरली एक्ट करता है बी प्रिंसिपल के डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के बिहाफ पे, यानी जो प्रिंसिपल है वो लायबल है थर्ड पार्टीज को ना कि एजेंट, बट जो एजेंट है कुछ केसेस में पर्सनली लायबल होता है। अब वो केसेस है सबसे पहले तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, यानी अगर आपके प्रिंसिपल की आइडेंटिटी कभी रिवील ही नहीं की गई तो जो एजेंट है उसको आप पर्सनली लायबल हेल्ड ऑन कर सकते हो।
दूसरा ट्रेड यूसेज एंड कस्टम। देखो अगर आपके जो ट्रेड कस्टम्स इस्टेब्लिश करते हैं एजेंट की लायबिलिटी, तो तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉरेन प्रिंसिपल। देखो कुछ केसेस में जो एजेंट है वो लायबल होगा फॉरेन प्रिंसिपल को, जो जिसको कब आप वो बहुत डिफिकल्ट है फॉरेन के प्रिंसिपल को स्यू करना आपके लिए, तो तब ऐसी सिचुएशन में आप प्रिंसिपल आपके एजेंट को लायबल ठहरा सकते हो। यानी अब जो आपकी ऑप्शंस हैं जो साइनिंग फॉर प्रिंसिपल और एक्टिंग फॉर नेम्ड प्रिंसिपल, इनका कोई लेना देना नहीं है एजेंट की लायबिलिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइज फॉर्म है यहाँ पे फॉर्म नहीं फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो अगर मैं आपको मार्केट ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे मोस्ट प्रिवेलेंट है वो है ओलिगोपोली। देखो अब इसको डिटेल में करते हैं, ध्यान से देखो। जो आपकी ओलिगोपोली है, जो आपकी ओलिगोपोली है, देखो जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफर करते हैं। अब जो इनके बेसिस हैं डिफरेंस के, वो कंपटीशन या नंबर ऑफ सेलर्स हैं बेसिकली, अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखो जो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में जो इसमें जो मैनी स्मॉल सेलर्स विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नॉट टिपिकल इन मैन्युफैक्चरिंग विद हाई सेटअप कॉस्ट। देखो अब जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है इसमें सेलर्स बहुत कम होते हैं, बट सभी का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेलर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट सभी का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आइडेंटिकल होगा। सो ये मैंने इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन कर रहे हो उसमें सेटअप कॉस्ट बड़ी हाई होगी। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बहुत सारे सेलर्स होंगे, हर का डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा, बट अगर आप इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल That favor fewer firms, economies of scale आपको बहुत कम मिलेंगी। तीसरा oligopoly में बहुत कम dominant sellers होंगे, इसमें जो common in manufacturing due to high capital requirement and economies of scale। देखो obvious बात है अगर आपने oligopoly को run करना है इसमें dominant few बहुत कम dominant sellers होते हैं, ये बहुत common है manufacturing में क्योंकि इसमें capital requirements बहुत ज़्यादा हैं और economies of scale अच्छे से मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं डिओपोली, इसमें दो डोमिनेंट सेलर्स होंगे और ये लेस कॉमन है ओलिगोपोली के कंपैरिजन में क्योंकि ओलिगोपोली में अगर दो से ज़्यादा प्लेयर्स हो उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम पॉपुलर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट विल बी ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन देखो, लिस्ट दी हुई है, लिस्ट पढ़ लो। रिटेल स्टोर का फॉर्मेट ए डिस्काउंट स्पेशलिटी कैटेगरी के लिए सुपरमार्केट है और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी डिस्काउंट शैलो का कॉम्बिनेशन हो गया, स्पेशलिटी नैरो और डीप होगी, कैटेगरी के लिए डीप एंड नैरो हो गया, सुपरमार्केट ब्रॉड और डीप होगी। देखो जो ये रिटेल फॉर्मेट्स है ये डिफर करते हैं प्रोडक्ट की वैरायटी और डेप्थ में। देखो जो डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं ये आपको लिमिटेड वैरायटी यानी शैलो नेशनल ब्रांड्स की बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफर करते हैं लोअर प्राइजेस पे। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी स्टोर हैं ये फोकस करते हैं नैरो प्रोडक्ट कैटेगरी में और इसमें डीप सिलेक्शन होती है कैटेगरी के अंदर। जो कैटेगरी किलर्स हैं ये डोमिनेट करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को डोमिनेट किया जाता है, यानी इसमें बहुत वास्ट सिलेक्शन होती है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे। सुपरमार्केट्स में बहुत वाइड वैरायटी ऑफर की जाती है प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज को कंसीडर करके, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो, ए सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी अ माइनर हु पेस फॉर इट बाय हिज चेक। अ ए इंडोर्सेस अ चेक टू सी हु टेक्स इट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, द चेक इज डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन, कैन सी इन्फोर्समेंट ऑफ द चेक। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और डिसऑनर चेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सी इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट चेक के ओनली अगेंस्ट ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो डिफाइन करता है राइट्स और लाइबिलिटीज पार्टीज की जो एक चेक्स में एक चेक की ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको ध्यान से समझो, ए यानी जो ड्रॉअर जो चेक को इशू कर रहा है, बी ड्रॉई ये बैंक है जिसपे चेक को ड्रॉ किया गया यानी ये माइनर का बैंक है इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर केस में, सी इंडोर्सी है ये वो बंदा है जो चेक को ट्रांसफर कर रहा है एज अ इंडोर्समेंट। सो देखो
जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है, यानी बैंक ने इसकी पेमेंट नहीं दी। सो अगर आप सी को अज्यूम करो एक बोनाफाइड होल्डर जो जिसने एक चेक को गुड फेथ और वैल्यू में लिया है, तो जो सी है वो रिकोर्स कर सकता है अगेंस्ट इमीडिएट इंडोर्सर, यानी विच इज ए दी ड्रॉअर इज नॉट लायबल टू सी इन दिस सिनेरियो। सो इसमें सीधा सीधी बात है, जो सी है वो अगेंस्ट ए चेक पेमेंट चेक की उसको लायबल ठहरा सकता है, जो उसका उसके अगेंस्ट वो रिकोर्स ले सकता है। ठीक है, 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे इन द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट्स ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर सेक्शन 207 से सेक्शन 211 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। देखो अगर मैं आपके एडवांस टैक्स पेमेंट का प्रोसेस मैंने आपको कल भी करवाया था, तो अगर सेक्शन 207 से 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो ऑर्डर है एडवांस टैक्स पेमेंट का लॉजिकल फ्लो में सबसे पहले तो लायबिलिटी जो आपके एडवांस टैक्स की पेमेंट के वो डिटरमाइन की जाएगी, यानी डिफाइन किया जाएगा हु नीड्स टू पे एडवांस टैक्स। फिर कंडीशन जो लायबिलिटी की है एडवांस टैक्स को पे करने की वो देखी जाएगी, यानी स्पेसिफाई की जाएंगी कंडीशन जिसके अंदर आप लायबल किसी को ठहरा सकते हो या बन सकते हो। फिर कंप्यूट किया जाएगा एडवांस टैक्स, यानी कैलकुलेट किया जाएगा अमाउंट कितना बनता है एडवांस टैक्स का जो पेएबल है। फिर इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की और ड्यू डेट देखी जाएगी, यानी आप स्केड्यूल करोगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स को और ड्यू डेट्स उनकी जो जो बनती है, और लास्ट में पेमेंट एडवांस टैक्स की एसएससी के उसके ओन रिकॉर्ड में की जाएगी, यानी आप अलाउ करोगे एसएससी को टैक्स पेयर को कि वो रिकॉर्ड करे एडवांस टैक्स पेमेंट जो उसने की है। ठीक है, 18th क्वेश्चन था, सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेजी एक्ट 2002। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब जो आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसी है, जो उसका ऑपरेशनल सीक्वेंस है सरफेजी एक्ट का, वो अब जो ये एआरसी है ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के साथ, यानी जो एसेट्स मंदी में है डिस्ट्रेस्ड है उनके साथ डील करती है। देखो सबसे पहले नंबर वन पे आएगा बाय लोन्स ऑफ अ बैंक एट अ डिस्काउंट। देखो जो एआरसी हैं वो एक्वायर करते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बैंक से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। दूसरे में वो इशू करेंगी सिक्योरिटी रिसिप्ट बैंक को, यानी एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर देंगी बैंक को जो रिप्रेजेंट करेंगी बैंक का क्लेम परचेज लोन पे। तीसरे पे कैरी आउट की जाएगी रिकवरी, यानी एआरसी ट्राई करेंगे कि वो रिकवर कर पाए लोन का अमाउंट बोरोअर से। और लास्ट सेकंड लास्ट में 2% मैनेजमेंट फी चार्ज की जाएगी, यानी एआरसी चार्ज करेगी बैंक से एक फ़ी मैनेज, जो रिकवरी का प्रोसेस वो पूरा मैनेज कर रहे हैं उसके लिए 2% चार्ज किया जाएगा। फिर पेमेंट एट द एंड पेमेंट कर दी जाएगी बैंक को, यानी जब रिकवरी होगी तो जो एआरसी है वो बैंक को उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट के और सक्सेस फी के बेसिस पे पेमेंट कर देगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर टू ब्रांड देयर ऑफरिंग, यानी देखो इनमें से कौन से रीजंस हैं जो रिटेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने ऑफरिंग्स को ब्रांड कर पाए। देखो प्री ब्रांडिंग से एक तो प्रीमियम प्राइजिंग पॉसिबल है, और आप कहीं ना कहीं अपने कॉर्पोरेट आइडेंटिटी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आप कस्टमर की लॉयल्टी बना रहे हो। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ब्रांडिंग बहुत सारे आपको बेनिफिट्स ऑफर करती है, प्रीमियम प्राइसिंग इनेबल हो जाती है, यानी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं वो कमांड करते हैं हायर प्राइजेस, क्योंकि कस्टमर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो आपकी क्वालिटी को अच्छी परसीव कर रहे हैं, सुपीरियर परसीव कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है जो आपकी जितना ब्रांड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, यानी वो ब्रांडिंग आपको हेल्प करेगी कि आप एक डिस्टिंक्ट इमेज अपनी कंपनी की मार्केट में बना पाओ। कहीं ना कहीं एट द एंड आप अपने कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप करते हो, यानी जो पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंसेस हैं वो कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड ऑन करते हैं और रिपीट करते हैं बिजनेस से परचेजेस। ठीक है, और जो इसमें दूसरी ऑप्शन है गॉजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये कोई ब्रांडिंग फंक्शन नहीं है, ब्रांडिंग का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे 20th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपेरिकल स्टडीज डेट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज,
देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये डिपिक्ट करता है जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की पर यूनिट जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। सो जो इसकी टिपिकल शेप है वो एल शेप्ड होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इनिशियल फेज में जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इसको इस टाइम पे आप इसको फुली रिप्लाइज नहीं करते, यानी जो लर्निंग कर्व अफेक्ट्स हैं और इनएफिशिएंसीज हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। लॉन्ग रन में जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इसमें आपको कहीं ना कहीं एफिशिएंसी गेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट में जो आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल है यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो कर्व है जो एलएसी है वो एक मिनिमम पॉइंट पे पहुँच जाता है, यानी इस पॉइंट से आगे जो कॉस्ट है वो माइट स्टार्ट हो जाएगी इंक्रीज होना क्योंकि अब आपको डिस्कॉन्स ऑफ स्केल का कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, 21th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कॉम्पेंसेशन प्लान। देखो जो आपका स्ट्रेट सैलरी प्लान है वो आपको एक फिक्स्ड इनकम ऑफर करता है रिगार्डलेस ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस, यानी इनकम पे सेल्स परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। सो इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले तो लो मोटिवेशनल इम्पैक्ट, देखो जो सेल्स हैं वो रेप करती है लैक फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एक्सीड टारगेट। अब परफॉर्मेंस का तो आपकी सेल्स इनकम पे कोई लेना देने नहीं है, सो आपकी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो आपको मिलेगा ही नहीं। सो डजंट मैटर, यानी मोटिवेशन इसमें बहुत कम होगी। सेकंड, डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल परफॉर्मेंस। देखो जो हाई अचीवर्स हैं वो और कमीशन बेस्ड कंपेंसेशन प्लान जहाँ पर मिल रहे हैं वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लास्ट, सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट। देखो कई बार जो रेप्स हैं आपके यानी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रायोरिटाइज करेंगे सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को बेचना, अगर उनके जो इवन इफ इट रिड्यूसेस प्रॉफिट मार्जिन डिस्काउंट्स पे भी वो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल है वो यूनिट्स को सेल करें। सो ये तीन जो अगर इसका मैं आपको करेक्ट बताऊँ तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए सी डी, यानी जो अगर आपके जो आपका स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन है उसके मेन तीन जो डिसएडवांटेजेस है, एक तो सेल्स वॉल्यूम एम्फेसाइज नहीं होगी, मोटिवेशन बहुत कम होगी और बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप टॉप परफॉर्मेंस को रिटेन कर पाओ। 22 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 22nd क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। द स्टेटमेंट वन क्या कह रही है, द ओनली पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू कस्टमर। और जो स्टेटमेंट टू है, द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। देखो जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे दी गई हैं। देखो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो सिंपली उसका ये नहीं काम है कि आप प्रोडक्ट्स को मूव कर रहे हो, वो इससे कहीं ज़्यादा आगे है। देखो जो स्टेटमेंट वन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, यानी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन नॉट जस्ट मूविंग फिनिश प्रोडक्ट। यानी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, जितनी भी सप्लाई चेन है आपने उसको पूरा मैनेज करना है, केवल जस्ट आपने फिनिश प्रोडक्ट्स को मूव नहीं करना। सेकेंड, लॉजिस्टिक जो है वो एक क्रॉस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस सारा कुछ आ जाता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत थी। सो ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी सूटेबल फॉर कार्स एंड अप्लायंस। देखो जो आपके कार्स और अप्लायंसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको कंज्यूमर्स को एजुकेट करना पड़ता है कार इनके फीचर्स के रिगार्डिंग, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसको परचेज करते हो, इनकी स्पेसिफिकेशंस को आपको क्लियर करना पड़ता है। सो जो एक इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी होती है उसका मेन फोकस यही रहता है कि आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को, फीचर्स को हाईलाइट करो और जितने भी कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको एड्रेस करो। आप टेक्निकल डिटेल्स अच्छे में से एक्सप्लेन करो एक अंडरस्टैंडेबल वे में ताजे हो अगले को चीज़ें समझ आएँ। एक ब्रांड नॉलेज और ट्रस्ट को बनाओ। सो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। देखो जो स्किल्स हैं, स्पेसिफिक अबिलिटीज, स्किल्स क्या होते हैं, ये आपकी स्पेसिफिक अबिलिटीज हैं
टास्क को परफॉर्म करने की, जैसे डाटा एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। जो कॉम्पिटेंटेंसीज हैं ये कॉम्बिनेशन है स्किल्स का, नॉलेज का, एटीट्यूड का, जो ज़रूरी है एक जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। सो जो कॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें स्किल्स आ जाती हैं, एनालिसिस पहला, यानी एनालिसिस होगा आपकी एबिलिटी सिचुएशंस को असेस करने की और डाटा को असेस करने की। ऑर्गेनाइजेशन, आप किस तरीके से टास्क को मैनेज करते हो, रिसोर्सेस को इफेक्टिवली मैनेज करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनको रिजॉल्व कैसे करोगे। ओनरशिप ऑफ असाइनमेंट, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो जो आपका रिजल्ट निकल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए, ए सी एंड डी, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन रिसर्च डिजाइन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उसका मेन एम यही होता है कि आपने कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, सो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो, यानी रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करता है ताकि इसका अफेक्ट को जज किया जा सके, इसका अफेक्ट क्या पड़ता है दूसरे वेरिएबल पे। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जिसका मेजर करते हो कि आप ताजो इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इस पे पढ़ रहा है उसको आप मेजर करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो पढ़ रहा है। सो एक्सपेरिमेंट में जो रिसर्चर है वो एक्टिवली चेंज करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ताजो इन्फ्लुएंस किया जा सके डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो ऑप्शन नंबर बी, मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Which of the following one considered as supply factor affecting the flow of foreign direct investment? देखो, जो supply factors जो influence करते हैं what a country has to offer foreign investor. Number one, resource availability. यानी this, इसका मतलब क्या हुआ, जो natural resources like mineral, oil, etc., skilled labor या infrastructure कह लो, ये attract करता है foreign companies को। फिर आते हैं logistic, यानी ये आपके जितना है आपके जो transportation networks है वो कितने efficient है, roads, ports, airports, और जितनी low transportation cost होगी उतना ही easier और cheaper होगा companies को कि वो अपने raw material को easily import कर पाए और अपने finished goods को export कर पाए। So option number C, जो सप्लाई फैक्टर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी और लॉजिस्टिक्स है। 27th क्वेश्चन, 27th पे मूव कर करते हैं। दो लिस्ट दी हुई है आपको, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सो मैच करके बताना है। देखो, जो आपके इसका जो करेक्ट आंसर है डैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो, जितने भी ETF के इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट, जितने भी ETF के एस्पेक्ट्स हैं उसको सभी को मालेगाम कमेटी ने 1995 में स्टडी किया था, और जो आपकी राशिद जिलानी कमेटी है 1992 में, उसका मेन फोकस था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, यानी ये जो NBFC का वर्किंग ग्रुप है इसका डायरेक्ट उसके साथ रिलेशन है। जो आपकी सो दुआनी कमेटी 1994 है, ये डील करती है सिविल एविएशन और लैंडिंग प्रोसीजर्स के साथ, यानी इसने जो लैंडिंग है उसके अल्टरनेट मेथड्स को सजेस्ट किया था। और जो आपकी शेरे कमेटी 1995 है, ये एड्रेस करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेगुलेशन को, यानी जो एक्सपर्ट ग्रुप है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, उसका कॉन्सेप्ट इसने पूरा एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन में। द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिजेक्टेड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, द CPIO एंड SPIO इज ऑब्लिगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू फर्निश द पर्सन सीकिंग द इन्फॉर्मेशन। देखो, जब एक RTI एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर CPIO या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर SPIO है, उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं एप्लीकेंट को। सबसे पहले रीज़न क्या है रिजेक्शन का, ये चीज़ हेल्प करती है कि एप्लीकेंट समझ पाता है उसकी इन्फॉर्मेशन को क्यों डिनाई किया गया, और पोटेंशली वो अपनी और कोई या अपनी रिक्वेस्ट को रिवाइज करके डाल सकता है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स क्या है एपीलेट अथॉरिटी के, यानी ये चीज़ ये बताती है कि एप्लीकेंट है जो वो अब किसको अपील कर सकता है जब उसकी रिजेक्शन हुई है इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट आता है पीरियड विद इन विच एन अपील मे बी प्रेफर्ड, यानी ये स्पेसिफाई करता है टाइम फ्रेम क्या है जिसमें वो और किसी एपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, BDE इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 29th में।
एक्स वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 July 2022 एज अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी. ही वॉज कॉन्टिन्यूड ऑन डिसकॉन्टिन्यूड ऑन 30 April 2023. वट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी. देखो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर्स को सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एज पीरियड 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा और जो 31 मार्च को करंट ईयर की प्रसीडिंग ईयर की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और करंट ईयर की 31 मार्च को वो खत्म होगा. सो इस केस में अगर बात की जाए तो जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, देखो सिंस जो एक्स की अपॉइंटमेंट तो 1 जुलाई 2022 को हुई थी, सो उसका केवल 31 मार्च 2023 तक ही पीरियड माना जाएगा और इसको ही इनकम कैलकुलेशन के अंडर हेड सैलरी कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी 1 July 2022 to 31 March 2023 विल बी करेक्ट आंसर. लास्ट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डाटा सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेटर मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी. देखो जो आउटलायर्स हैं ये वो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो सिग्निफिकेंटली डेविएट करती हैं डाटा सेट से, यानी ये वो वैल्यूज हैं जिनका जो एक्सट्रीम डेविएशन है. ट्रिम्ड मीन, देखो जो ये मेथड है ये एक्सक्लूड करता है कुछ परसेंटेज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज की बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज, यानी इससे जो आउटलायर्स की इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो जाती है. मीडियन, ये रिप्रेजेंट करता है मिडल वैल्यू को जब डाटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, ये भी बहुत कम सेंसिटिव है आउटलायर्स को लेके अगर हम इसको मीन के साथ कंपेयर करें. तो जो इसके अलावा ऑप्शंस बची, देखो सो जो करेक्ट आंसर है वो ट्रिम्ड मीन और मीडियन है, यानी ऑप्शन नंबर डी. यानी अगर मैं दूसरी मेजर्स की बात करूं जो मोड है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है बट ये कोई रोबस्ट आउटलायर्स के लिए नहीं है. अर्थमेटिक मीन, ये इसके इस पे आउटलायर्स का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है स्पेशली अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है. हार्मोनिक मीन, ये भी बहुत कम यूज किया जाता है और इस पे भी कहीं ना कहीं ये भी डाटा को सेंटर को रिफ्लेक्ट करता है और स्पेशली आउटलायर्स इसमें भी कोई लेना देना नहीं है. सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप.